गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के लावाडी निवासी एक 14 वर्षीय नाबालिग आदिवासी बच्ची को 26 दिसंबर से अपहरण कर बच्ची के साथ दो दिनों तक रेप करने का शिकायत घाघरा थाना में नाबालिग की मां ने किया है। इस संबंध में नाबालिग की मां ने बताया कि उसकी बेटी अपनी फुआ के घर टोंका टोली घाघरा में रहती है और घाघरा में ही एक निजी स्कूल में 6 क्लास में पढ़ाई करती है। फुआ का राशन कार्ड को लेकर जन वितरण दुकान कॉलेज के पास राशन का उठाव करने के लिए अपनी एक सहेली के साथ गई थी। काफी भीड़ भाड़ होने के कारण वह बाद में राशन लेने की बात कहकर घर लौट रही थी तो फुआ के घर के बगल में ही रहने वाले पड़ोसी 22 वर्षीय शिवनाथ सिंह विमरला गांव का ही रहने वाला है जो कि घाघरा में ही रहता है, उसे घर छोड़ देने के बहाने मोटरसाइकिल में बैठाकर सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रुकी जंगल में रहा। बाद में वह पुनः मोटरसाइकिल में बैठकर घाघरा लाकर नदी के पास अपने छोटे भाई को बुलाकर मोटरसाइकिल दे दिया और बोला कि मैं नहीं घर आ पाऊंगा, जिसके बाद वह कॉलेज के पास आंगनबाड़ी के बगल खलिहान में दो दिनों तक पुआल में रखकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा। इसी के साथ गुमला से P3 न्यूज झारखंड के लिए अजीत सोनी की देखे एक रिपोर्ट। तो संध्या में एक नाबालिग पीड़िता थाना पे आई और बताई कि दिनांक 26 तारीख को अपने सहेली के साथ अपने घर से सहेली का राशन का सामान लेने के लिए कॉलेज घाघरा आई, टाना भगत कॉलेज पर आई थी, जहां पर उसकी सहेली को राशन लेने में लेट होने के कारण वो पीड़िता खुद अकेले जाने लगी। तो इसी क्रम में पीड़िता के पूर्व की पहचान, पीड़िता के फुआ के घर के बगल में रहने वाला शिवनाथ सिंह उसको मिला रास्ते में और बोला कि चलो तुमको घर छोड़ देते हैं। उसको अपनी मोटरसाइकिल बैठा कर जब मोटरसाइकिल लेके बढ़ने लगा तो बोला चलो फुआ घर घुमा देते हैं। जब वो फुआ घर घुमाने के बहाने उसको रुखी घाटी में ले गया, जहां पर बात बनाकर कुछ देर वहां पर रुका। उसके बाद वो अपने गांव विमला गांव में वो अपने खलिहान में ले जाकर उसे साथ में अपनी भाभी के यहाँ ले जाकर खाना खिलाया और पुनः खलिहान लाकर उसको पुनः रेप किया। दूसरे दिन उसको अगल बगल जंगल झाड़ नदी में घुमाया और रात में पुनः खलिहान ले जाकर उसको बलात्कार किया। और बलात्कार करने के बाद 28 तारीख को सुबह में उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद लड़की अपने घर पे आई, अपने माता पिता को घटना के बारे में बताई और वो थाने पाकर सूचना दी, जिस पर यहाँ पर थाने के सब इंस्पेक्टर बुलेट गुराई, हेमराज कुमार, महेश कुमार कुशवाहा और मुकेश कुमार तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए एक्यूज को गिरफ्तार किए और विधि सम्मत कार्रवाई की।